हेलो फ्रेंड्स, जमाना है कॉम्पैक्ट एसयूवीज का। और अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात करें तो हर एक मैन्युफैक्चरर इस सेगमेंट में आजकल आना चाहता है, हर एक मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी लॉन्च करना चाहता है, लेकिन हर कोई इस सेगमेंट में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी ऐसी लाते हैं जो कॉपीड होती है किसी और के फीचर्स की लिस्ट के हिसाब से। कोई मैन्युफैक्चरर लाता है स्टायरिंग के लिहाज से गाड़ी को कॉपी करके, और कोई मैन्युफैक्चरर लाता है गाड़ी को कॉपी करके इंजन के हिसाब से। लेकिन एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसने अपनी पहचान बहुत जल्दी बना दी है सेगमेंट के अंदर। एक ऐसी गाड़ी है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई है, गेम चेंजिंग कार बन गई है और बेंचमार्क बन गई है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की, और बहुत जल्दी बन गई है। और किस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, वेल आप पहचान ही होंगे, जिस गाड़ी में बैठा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। इट ऑफ कोर्स इज द किया सॉनेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इस गाड़ी को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वेल सिंपली पुट, जब आप इस गाड़ी को पहली बार देखेंगे, बाहर से ही शोरूम जाएंगे या रोड पर देखेंगे, तो आप इस गाड़ी को देखकर एक ठंडी हवा भरेंगे कि आपको लगेगा वाओ क्या गाड़ी बनाई है। लुक्स के लिहाज से आई थिंक दिस इज द बेस्ट लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी इन दिस सेगमेंट। और बेस्ट लुकिंग क्यों है, वेल जब आप इसको सामने से देखते हैं तो आप देखेंगे वो बड़ी सी टाइगर नोज ग्रिल, आप देखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन हेडलैम्प्स, और साथ ही आप पंपर देखेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया है। डिज़ाइन के मामले में स्पोर्टी लुक है, यूथफुल लुक है, अर्बन और सोफिस्टिकेटेड लुक है, और साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी बहुत वेल बैलेंस लगती है। इसका जो सिलोएट है काफ़ी अच्छा लगता है, जो डिज़ाइन है इस गाड़ी का प्रोपोर्शनेट लगता है, बाकी गाड़ियों की तरह नहीं है कि कुछ आगे से छोटी कुछ पीछे से बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। मेरा फेवरेट पार्ट जो गाड़ी के डिज़ाइन का है वो है इसका पीछे का पार्ट, जो रिफ्लेक्टर्स पीछे लगे हुए हैं वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं डिज़ाइन के मामले में। और उन रिफ्लेक्टर्स को देखकर आपको एक स्पोर्ट्स कार की याद आ जाएगी, जर्मनी की स्पोर्ट्स कार है, बहुत महंगी गाड़ी है। कौन सी वो गाड़ी है आप मुझे नीचे लिख सकते हैं बताकर कमेंट्स में। लेकिन जो मैं कहने की वो बात ये है कि ये जो गाड़ी है बहुत ही प्रीमियम लगती है, बहुत ही प्लस लगती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। और इसके जो बेस वर्जन है, लोअर एंड वर्जन हैं, वो भी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनके बेस वर्जन देख के ही लगते हैं कि ये तो बेस वर्जन है, सस्ता वर्जन है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं किया, डिज़ाइन बहुत अच्छा कर रखा है। बेस वर्जन में भी जो डिज़ाइन है वो टॉप लाइन वर्जन की तरह ही प्रीमियम है, काफ़ी प्लस है और अप मार्केट है, और काफ़ी क्लासी लुकिंग है ये गाड़ी सब एंगल से। तो उस लिहाज से किया सॉनेट डेफिनेटली इज अ कार विच विल विन योर हार्ट एज सून एज यू गिव इट योर फर्स्ट ग्लिम्स। और ये गाड़ी ऐसी है जो रोड पर लोग जब इसको देखते हैं तो गाड़ी पलट के ज़रूर देखते हैं वो, क्योंकि डिज़ाइन इस गाड़ी का इतना अर्बन है और इतना कूल और फंकी है। गाड़ी को बाहर से देखने के बाद जब इसके अंदर आएंगे तो यू रियलाइज दैट दिस इज़ द बेस्ट कार इन दिस सेगमेंट नाउ इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स लिस्ट, एंड दिस इज डेफिनेटली द न्यू गेम चेंजर, द गेम सेटर, द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेगमेंट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल फीचर्स, क्वालिटी एज वेल एज एम्बियंस। बहुत ही प्लश कैबिन है, बहुत ही फील गुड कैबिन है, बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जूरियस कैबिन है, और ये बेस्ट इन क्लास है फीचर्स के मामले में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको इस गाड़ी में सब कुछ मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक लग्जरी कार में, एक प्रीमियम गाड़ी में। आपको मिलती है कूल फ्रंट सीट्स, आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग फॉर मोबाइल फ़ोन, आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, आपको एप्पल का कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलता है सनरूफ, आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको मिलता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और टायर प्रेशर मॉनिटर्स मिलते हैं आपको। बहुत सारे फीचर्स हैं जो गाड़ी को प्रीमियम बनाते हैं, क्लास लीडिंग बनाते हैं। अगर आप हैं ऑडियो फाइल, अगर आप गाने सुनने का शौक रखते हैं, तो आप पसंद करेंगे इसके अंदर बोस का साउंड सिस्टम। जी हाँ, जो बोस का साउंड सिस्टम है उसका जो डायनामिक रेंज है, जो बेस है, जो साउंड की क्लैरिटी है, वो आलीशान है, बेस्ट इन क्लास है अगेन। और अगर आप अपने आप को कहते हैं एक टेक्नोलॉजी का दीवाना, तो आप इस गाड़ी के अंदर जो ओवो कनेक्टेड ऐप आती है उसको यूज़ करके बहुत खुश रहेंगे और बहुत बिजी भी रहेंगे, क्योंकि उस ऐप से आप इस गाड़ी के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं, गाड़ी का एसी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट उस ऐप से आप इस गाड़ी का जो एयर प्यूरीफायर है, जो कि एक मीटर के साथ आता है, इट्स द ओनली कार इन द सेगमेंट विद एयर प्यूरीफायर विद एक्यूआर मीटर, उसको भी आप चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में, ज़बरदस्त है गाड़ी फीचर्स के मामले में, और क्वालिटी के मामले में, इकोनॉमिक्स के मामले में बहुत ही आलीशान। इनफैक्ट अगर हम बात करें इस गाड़ी के साइज़ की भी, तो डायमेंशनली ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है फॉर द सिटी। अगर आप एक गाड़ी को चाहते हैं जो शहर में ज़्यादा रखें, तो इट्स द परफेक्ट साइज़, नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल, इट्स द परफेक्ट साइज़। और अंदर भी गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। अगर बात करें डिक्की की, तो 392 लीटर्स की इसकी डिक्की है जो कि इस गाड़ी को बनाती है बेस्ट इन सेगमेंट वंस अगेन।
वेल फीचर्स और लुक्स के अलावा आप इस गाड़ी के लंबी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की, तो बेस वर्जन्स के लिए जो कि लोग बजट कॉन्शियस बायर्स हैं उनके लिए 1.2 का पेट्रोल इंजन अवेलेबल है, जो बनाता है करीब 88 bhp ऑफ पावर। और अगर आपके पास थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, आप पैसा खर्च करने का मन है आपका, तो आपके पास 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है, जो बनाता है करीब 120 bhp। और उस इंजन के साथ आपको मैनुअल तो मिलता ही है, 7-speed dual clutch automatic भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मिलता है IMT gearbox, जो कि है clutchless automatic, जो इस वक्त मैं चला रहा हूँ। कहने का मतलब कि आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। डीजल इंजन भी अवेलेबल है 1.5 में, जो बनाता है 115 bhp ऑटोमेटिक में और 100 bhp इन दी मैनुअल फॉर्म। और ये है 6-speed का टॉक कन्वर्टर gearbox। टॉक कन्वर्टर डीजल में इस सेगमेंट में और कोई मैन्युफैक्चर नहीं देता है ऑटोमेटिक में। वेल, इतनी लंबी लिस्ट ऑफ इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस, क्या कोई और मैन्युफैक्चर देता है? वेल, आई डोंट थिंक सो। और इस गाड़ी का जो ओवरऑल साइज एंड शेप है, ये बिल्कुल परफेक्ट है सिटी के लिहाज से। ना ही ये बहुत बड़ी है कि आप दिन भर गाड़ी को चलाएं और आप थक जाएं और आपको पार्किंग ना मिले आराम से, और ना ही ये छोटी है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आप एकदम परेशान हो जाएं और आप बोलें कि अरे बाप रे, मुझे तो स्पेस नहीं मिला। इनफैक्ट अगर स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी में आता है सबसे बड़ा बूट इस सेगमेंट का, 392 लीटर्स का बूट है इस गाड़ी के अंदर, विच अगेन इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट। और चाहे आपको जाना हो अपना महीने का राशन लेने के लिए बिग बाजार, या आपको जाना हो हाईवे के ऊपर पूरे हफ्ते भर का सामान लेके अपनी फैमिली के साथ, दोनों ही चीज़ों में इस गाड़ी का बूट आपके सामान को आराम से एडजस्ट कर लेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी के साथ। हैंडलिंग के मामले में बहुत ही आलीशान गाड़ी है, स्पोर्टी चैसी है इस गाड़ी का, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं पहाड़ों पर और पहाड़ों पर गाड़ी को भगाते हैं तो आपको मज़ा आएगा, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं लगेगा। हाईवे के ऊपर गाड़ी एकदम चिपक कर चलती है, कॉन्फिडेंस देगी आपको, और शहर में भी आपको कंफर्टेबल रखेगी। तो किया इंजीनियर ने बहुत अच्छा काम किया है इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस के साथ। एंड एज आई जस्ट सेड, इट्स अ कार व्हिच विल डेफिनेटली पुट अ स्माइल इन योर फेस। कोई सा भी इंजन ले लीजिए, कोई सा भी गियरबॉक्स ले लीजिए, कोई सा भी फ्यूल ले लीजिए इस गाड़ी के साथ, आपको इस गाड़ी में चलाते वक्त मज़ा ही आएगा, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। इट्स रियली अ कीन ड्राइवर्स का एंड अ कार व्हिच एज आई जस्ट सेड इज द बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग इन दिस सेगमेंट। अगर आपके घर में अलग अलग लोग गाड़ी बार बार चलाते हैं, अगर आपके फादर चलाते हैं गाड़ी, या कोई आपके छोटा भाई बहन गाड़ी चलाता है और वो चाहते हैं कि गाड़ी का चलाने का तरीका थोड़ा फ़र्क हो, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। जी हाँ, इसमें इको मोड मिलता है, नॉर्मल मोड मिलता है और स्पोर्ट मोड भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं गाड़ी से ज़्यादा एनर्जी निकालना, ज़्यादा पावर निकालना और गाड़ी को भगाना और एक एंथुजियास्टिक स्टाइल में गाड़ी को चलाना, तो आप इसमें दबा सकते हैं स्पोर्ट मोड को और डेफिनेटली परफॉर्मेंस एक लेवल अप हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे आराम से गाड़ी चलानी है, माइलेज निकालनी है, फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पर आप इको मोड दबा सकते हैं। और वेल, इतने सारे मोड्स के अलावा आपको इसके अंदर वेरियस ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं। अगर आप जाते हैं किसी ऊबर खाबड़ रास्ते पे जहाँ पे आपको कच्ची मिट्टी मिलती है, या फिर आपको मिलता है एक बहुत ही बैडली पैस्ट रोड जहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि गाड़ी ट्रैक्शन ब्रेक कर रही है, तो ट्रैक्शन मोड भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं और आपको बर्फ़ मिल जाती है, तो उसके लिए भी मोड्स अवेलेबल हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर और इतने सारे मोड्स हैं, इतने सारी फैसिलिटीज़ हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 गाड़ी है, फीचर्स के मामले में नंबर 1 गाड़ी है, कि आप इस गाड़ी से कभी भी बोर नहीं हो सकते, आप खुश रहेंगे इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात यह है कि अगर आप हैं मार्केट में एक ऐसी गाड़ी के लिए जो कि आपकी फैमिली में सिर्फ एक सिंगल गाड़ी रहेगी, तो सब कुछ भूल जाइए, सारी गाड़ियाँ भूल जाइए, सारे सेगमेंट छोड़ दीजिए और किया सोनेट को आप बुक करा लीजिए जाके और इस गाड़ी को खरीद लीजिए। ये गाड़ी आपको सब कुछ देती है। इस गाड़ी के अंदर फीचर्स मिलते हैं, प्लशनेस मिलती है, लग्जरी की फीलिंग मिलती है। ये गाड़ी देखने में बहुत ही बेहतरीन है बाहर से, जिससे कि इसकी डिज़ायरेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, क्लास लीडिंग इंजन ऑप्शंस भी मिलते हैं, गियरबॉक्स ऑप्शन भी मिलते हैं। तो आपका बजट अगर कम हो तो आपके लिए किया सोनेट अवेलेबल है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आपके लिए किया सोनेट अवेलेबल है, अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है। और इन शॉर्ट, जो मैंने वीडियो शुरू करते हुए बात बोली थी, मैं वही बात दोबारा बोलूँगा, यह है इस सेगमेंट की नई बादशाह और यह है इस सेगमेंट की गेम चेंजिंग कार। डबल थम्स अप फ्रॉम माय साइड एंड डेफिनेटली इट इज़ द न्यू बेंचमार्क, द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड एंड द न्यू गेम चेंजर। इट्स नॉट ओनली अ कॉम्पैक्ट SUV, इट इज़ द किया सोनेट।